यार सेल्स ना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी भी बिजनेस में ना, आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में देखो, अगर आपके बिजनेस में सेल्स का वॉल्यूम नहीं है ना, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ठीक है। और अगर सेल्स नहीं है तो आपका रेवेन्यू भी नहीं अच्छा आएगा, और रेवेन्यू अगर नहीं आएगा तो ग्रोथ भी नहीं है, ठीक। तो अल्टीमेटली ना बिजनेस का जो बैकबोन होता है, बिकॉज मेरे 3-4 साल की लर्निंग में जो मैंने सीखा है ना, कि अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो आपके बिजनेस में सेल्स कंसिस्टेंट लेवल पे होना चाहिए। हर महीने आपका सेल्स बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ना नहीं चाहिए तो फिर भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का सेल्स आना चाहिए आपके डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, तभी आप इसको लंबे समय में ग्रो कर सकते हो। इसे हम लोग सेल्स वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10-step स्ट्रेटजी के ऊपर। वो 10 step मैं बताऊंगा जो मैंने खुद सीखा है एंड जो मैंने जिसे इंप्लीमेंट किया और मुझे उन स्टेप से मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर यू माय लर्निंग, जो मैंने सीखा है इतने टाइम में, 3-4 साल, इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम, बट आई हैव लर्नड अ लॉट इन दैट, ठीक है। तो उन्हीं स्ट्रेटजीज को मैं यहाँ पे समराइज करूंगा, उन एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि इन स्ट्रेटजीज को, इन स्टेप्स को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकें। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके बिजनेस में रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। और मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर आपने सही तरीके से इन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किया ना, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको 1.5 गुना रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। 1.5x आपका करेंट सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि वो कौन सी 10 steps हैं जिन्हें हम सही तरीके से इंप्लीमेंट करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में सेल्स अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम यार, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो और हम देखते हैं कि ये 10 steps क्या क्या हैं। तो जो पहला स्टेप है ना, वो ये है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, ठीक है। यानी कि डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस या फिर डिफाइन योर टारगेट कस्टमर। बिकॉज देखो, हर प्रोडक्ट का ना एक मार्केट होता है, और उस पर्टिकुलर मार्केट में ना कुछ एक स्पेसिफिक कस्टमर बेस होता है जो कि आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर आप चाहोगे कि सब लोग आपको प्रोडक्ट खरीद लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये ना हिस्ट्री में कभी हुआ है, ना आगे कभी होगा। तो आपको एक टारगेटेड सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स पे फोकस करना चाहिए, ना कि आपको पूरे मार्केट में फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप टारगेटेड कस्टमर को फोकस करके चलोगे, देन यू विल गेट रिजल्ट्स इजीली। सपोज करो, हमारा वी आर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइजीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, वी डील इन हाइजीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हमारे कस्टमर्स कौन होंगे, ठीक है। सपोज करो हमारा सैनिटरी पैड का ब्रांड है, तो हमारे कस्टमर कौन होंगे, हमारे बिजनेस कस्टमर कौन होंगे? वो दुकान जहां पे फीमेल्स ज्यादा विजिट करती हैं, जैसे ब्यूटी कलेक्शन की दुकानें, या फिर ब्यूटी पार्लर्स, या फिर मेडिकल स्टोर्स। तो ऐसे जो लोग होंगे ना, ये हमारे कस्टमर्स होंगे, ठीक है। ये इनको हम अपने टारगेट कस्टमर में रख सकते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो ये है कि आपको पता रहना चाहिए वो किन मार्केट को टारगेट करना, और उन मार्केट में कौन कौन से दुकानें हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था हमारा कि डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। इसी से जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है ना, वो ये है कि आइडेंटिफाई योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, या फिर आपका यूएसपी क्या है, आप औरों से अलग कैसे हो। अगर मान लो हम लोग हाइजीन प्रोडक्ट्स में, अगर हमारा एक हमारा ब्रांड है सैनिटरी पैड्स का, सेफ ऑशोर, ठीक है। तो हम लोग मार्केट से कैसे अलग हैं? वी आर प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी, हमारी प्रोडक्ट का अफोर्डेबिलिटी काफी अच्छा है, ठीक है। एंड वी आर बेटर देन आवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। हम लोग अपने कस्टमर्स को एक बेटर मार्जिन ऑफर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी यूएसपीज है। तो अपने टारगेट ऑडियंस को हम लोग तभी सही से अप्रोच कर सकते हैं जब हमें अपने प्रोडक्ट की यूएसपी पता हो कि देखो भाई, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट यूनिक है। क्योंकि जब तक आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी नहीं रहेगी ना, या फिर आपको अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, आप अपने टारगेट ऑडियंस के सामने जाके पिच नहीं कर सकते हो कि देखो हमारा प्रोडक्ट ले लो, हम ऐसे हैं, हम वैसे। जो भी चीजें, आपको पता रहना चाहिए, आपका यूएसपी पता रहना चाहिए कि आपका यूएसपी क्या है। बिकॉज अल्टीमेटली आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा, इस वजह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, या फिर आप हमारा प्रोडक्ट ले सकते हो। सो आप यू हैव टू डिफाइन योर यूएसपी, ठीक है। इसके बाद आपने अपना टारगेट ऑडियंस बना लिया, ठीक है, आपने अपना यूएसपी डिफाइन कर लिया। अब तीसरी चीज आती है ना, क्रिएटिंग अ सेल्स स्ट्रेटजी। जो तीसरा पॉइंट है वो है क्रिएट अ सेल्स स्ट्रेटजी। सेल्स स्ट्रेटजी क्या होता है कि आप अपने टारगेट कस्टमर को अपना यूएसपी कैसे बताओगे,
ठीक है, बिकॉज तभी तो सेल्स आएगा। अगर आप अपने टारगेट कस्टमर को अपनी यूएसपी नहीं बताओगे तो आपका सेल्स नहीं आएगा। सो यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी क्या चीज होती है, सेल्स स्ट्रैटेजी क्या होता है कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेंगे। आप किसी लोकल इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर आप काउंटर टू काउंटर विजिट करेंगे, या फिर आप सेल्स टीम बनाओगे, सेल्स टीम के थ्रू आप अपना एक चैनल पार्टनर का नेटवर्क बनाओगे। कैसे आप किस तरीके से सेल्स करेंगे, यही सेल्स स्ट्रैटेजी में आती है। अगर आप सेल्स स्ट्रैटेजी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो ना कि हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दो कि यू वांट अ वीडियो ऑन सेल्स स्ट्रैटेजी, तो हम लोग उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अब आपके पास ये तीन चीजें रेडी है, आपका टारगेट कस्टमर रेडी है, आपका यूएसपी आपको पता है, ठीक है, एंड यू आर हैविंग अ सेल्स स्ट्रैटेजी, आपके पास आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो इसी से जो चौथा पॉइंट निकल के आता है ना, वो है कि यू हैव to create a lead generation plan, because आपके पास अब मान लो कि आपने sales strategy बना ली कि हम लोग ऐसे ऐसे local events में जाएंगे, participate करेंगे, हमारी sales team रहेगी, जाके counters बनाएगी, वहाँ पे product sell करेगी, तो अब आपको ना lead generation plan बनाना है कि हम लोग कैसे leads generate करेंगे। अगर मान लो आप किसी local event में जा रहे हो participate करने के लिए, तो आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ें करेंगे जिससे कि आपके पास leads आएंगे, because जब leads आएंगी तो आप उन leads को prospect में convert करोगे, उन prospect से फिर आप आगे चल के आपका sales आएगा, ठीक है। तो आपके पास एक लीड जनरेशन प्लान होना चाहिए कि हम लोग इस तरह से हम लोग लीड जनरेट करेंगे। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट, वो है कि क्रिएट अ सेल्स पाइपलाइन। देखो ऐसा कभी भी जब आपके पास कोई लीड आती है ना, तो वो एक सर्टेन सीरीज ऑफ स्टेप्स से गुजरती है, ठीक है। उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो वही है कि आपको एक पाइपलाइन बनानी पड़ेगी कि मान लो हमारे पास अगर लीड आई, तो पहले हमारा उसके पास कॉल जाएगा, कॉल जाने के बाद से हम उसको क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद उसको हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना ऑफर बताएंगे उसे, एंड फिर आगे चल के हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास एक सेल्स का पूरा पाइपलाइन होना चाहिए जो कि आप अपने एसओपी में इंक्लूड कर सकते हो कि आपकी पूरी टीम जो है ना उस पाइपलाइन को फॉलो करे। इन आवर बिजनेस वी हैव एक पर्टिकुलर सेट ऑफ, हमारे पास मतलब हमारा पाइपलाइन डिसाइडेड है कि अगर लीड हमारे पास आती है, अगर मान लो हमारे पास इंडिया मार्ट की लीड आती है, तो हम उसके साथ ऐसे ऐसे आगे फॉलोअप करेंगे। अगर हमारे पास कोई वॉक इन लीड आती है, तो उसका हमारा सेल्स का पाइपलाइन अलग होगा। अगर हमारी कोई रिटेल की लीड है, उसका सेल्स पाइपलाइन अलग होगा। सो हर अलग अलग टाइप की लीड्स के लिए ना आपका सेल्स पाइपलाइन डिफरेंट होना चाहिए, तो ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर इसके ऊपर भी आप चाहते हो कि हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए कि हम लोग सेल्स पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं, यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और हम जैसे हम आपका कमेंट पढ़ेंगे, हम लोग एक वीडियो इसके ऊपर बना देंगे। इनफैक्ट हम लोग एक पूरा डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे अपना सेल बढ़ा सकते हैं ना, इसके ऊपर आगे चल के हम लोग एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें लगभग 10 से 15 वीडियोस होंगे जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का हर एक एस्पेक्ट कवर करेगा, ठीक है ना, जिससे आपको काफी मदद होगा। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस प्लेलिस्ट को आगे चल के देख सकें, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड या ये हमारा था पांचवा स्टेप, अभी हमारे पांच स्टेप बाकी हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने छठवें पॉइंट पे। देखो आपके पास लीड्स, आपकी टारगेट ऑडियंस भी पता है, आपको अपना यूएसपी भी पता है, आपने सेल्स स्ट्रैटेजी भी बना ली, ठीक है, आपने लीड जनरेशन प्लान भी बना लिया, आपने अपना सेल्स पाइपलाइन भी बना लिया, बट आपके पास अगर कोई लीड आ रही है ना, तो आपको उसको क्वालिफाई करने के लिए कुछ आपके पास क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए। इसको हम क्वेश्चनेयर बोलते हैं, ठीक है, सेल्स क्वालिफिकेशन क्वेश्चनेयर, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चनेयर रेडी होना चाहिए कि मान लो आप सबको तो अपना प्रोडक्ट बेचोगे नहीं, ठीक है, तो आप किनको बेचना चाहते हो, ठीक है, आप का जो लीड है ना, वो आप उसको कैसे क्वालिफाई करो या आप उसको प्रोडक्ट बेच सको। मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं हमारे बिजनेस में, ठीक है, तो हमारा लीड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई लीड हमारे पास आती है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो मतलब बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। बिकॉज हमारा जो, अगर आप मान लो हमारे बिजनेस में ज्वाइन हो रहे हो ना एज अ पार्टनर, तो हम लोग एडीपी बनाते हैं, एडीपी यानी कि ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, जो कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का सेल्स देखते हैं, हमारा जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हमारे डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो हम लोग पहले ये पता करते हैं ना कि क्या ये बंदा या फिर क्या ये लीड के पास इतना नेटवर्क है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का सेल्स देख सके,
ठीक है। उसके बाद आता है कि मान लो हमारा जो फर्स्ट परचेज होता है ना, या फिर जो सैंपल ऑर्डर होता है, वो होता है लगभग 25,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं ना, क्या इस लीड के पास इतना फाइनेंशियल पावर है कि वो 25,000 का परचेज हमारे साथ कर सके। तो अगर ये चीजें क्वालिफाई होते हैं, ऐसे हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, जिन्हें हमारी सेल्स टीम फॉलो करती है, एंड उसको क्वालिफाई करने के बाद ही हम उस लीड के ऊपर आगे काम करते हैं। तो आपके पास एक लीड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रेडी होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा छठवां पॉइंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप है, जो सेवंथ स्टेप है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के मॉडर्न बिजनेसेस को ये चीजें तो यूज करनी ही चाहिए, चाहे आप वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, या फिर आप मैन्युफैक्चरर हो, या फिर आप कुछ भी हो, ठीक है। आपको यू हैव टू इंप्लीमेंट सेल्स टूल एंड टेक्नोलॉजी। आपको सेल्स टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। सेल्स टूल जैसे कि सेल्सफोर्स ऑटोमेशन। सेल्सफोर्स ऑटोमेशन, मान लो अगर आप एक किसी कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, तो आपके पास जैसे कुछ कंपनीज होती है ना, वो अपना सेल्सफोर्स ऑटोमेशन डिस्ट्रीब्यूटर को खुद ही देती है, बट मैक्सिमम द कंपनीज नहीं देती है। तो आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ना, आपके पास सेल्सफोर्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए। सेल्सफोर्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। इनफैक्ट हम लोग भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले, जिसमें हम लोग SFA के बारे में और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो आपका SFA होना चाहिए, आपके पास CRM होना चाहिए, जहां पे आप अपने कस्टमर्स का डेटा मैनेज करोगे, ठीक है। आपके पास इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर होने चाहिए, आपके लिए आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो आपको अपने बिजनेस में सेल्स टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, बिकॉज उससे आपके पास हर डेटा सही तरीके से अवेलेबल रहेगा। आप किसी लीड का फॉलोअप नहीं भूल पाओगे अगर आपके पास CRM है, ठीक है। अगर आपके पास SFA है, तो कोई आपका सेल्स पर्सन आपसे झूठ नहीं बोल सकेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के बिजनेसेस के लिए। तो यू हैव टू इंप्लीमेंट सेल्स टूल एंड टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस। ये तो एक बिटर ट्रुथ है, अगर आप इस चीज को नहीं इंप्लीमेंट करते, अल्टीमेटली आपका बिजनेस लंबे समय तक सस्टेन नहीं हो पाएगा। अब ये सात चीजों को तो हमने कर लिया, ये सात चीजों को तो हमने कर लिया, ठीक है। सबसे पहला था कि डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि डिसाइड योर USP, आपका USP क्या है। तीसरा चीज था यू हैव टू क्रिएट अ सेल्स स्ट्रेटजी। चौथा पॉइंट था यू हैव टू डेवलप अ लीड जनरेशन प्लान। लीड जनरेशन प्लान के बाद आपके पास एक सेल्स का पाइपलाइन होना चाहिए। सेल्स पाइपलाइन बनाने के बाद आपके पास लीड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस बेसिस पर आप लीड्स को क्वालिफाई करोगे कि वो आपके साथ बिजनेस करने के काबिल हैं या नहीं, ठीक है। ये था हमारा छठवां पॉइंट। नाउ कमिंग टू द सेवंथ पॉइंट, वो था इंप्लीमेंट सेल्स टूल एंड टेक्नोलॉजी। आपको सेल्स टूल और टेक्नोलॉजी यूज ही करना पड़ेगा, उसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने सेल्स टूल और टेक्नोलॉजी यूज कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्रेन एंड कोच योर सेल्स टीम। आपको अपने सेल्स टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। आपने इतनी सारी चीजें कर ली, आपने टारगेट ऑडियंस बना लिया, आपके पास आपकी सेल्स स्ट्रेटजी है, आपके पास लीड जनरेशन प्लान है, आपके पास लीड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, बट जब तक आप अपने सेल्स टीम को बताओगे नहीं ना कि हम लोगों के पास ये चीजें हैं, हम लोग ऐसे ऐसे लीड को हैंडल करते हैं, जब तक आप अपने सेल्स टीम को प्रॉपरली ट्रेन नहीं करोगे ना, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी सेल्स टीम चाहे छोटी हो या फिर बहुत बड़ी हो, ट्रेनिंग, रूटीन ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप अपने सेल्स टीम की जो भी क्वेरीज है, उनको आप टाइमली रिपोर्ट करो, उनको आप टाइमली रिजॉल्व करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको टाइम टू टाइम, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको अपने बिजनेस में करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेनिंग सेल्स में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो यू हैव टू कीप ट्रेनिंग एंड कोचिंग योर सेल्स टीम। आपको ये रेगुलर इंटरवल पे करना पड़ेगा। अगर आप कोई नई सेल्स स्कीम ला रहे हो, वो अपने टीम को बताओ कि हम लोग ये सेल्स स्कीम ला रहे हैं, इस तरह से हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। और आपको रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस तो करने चाहिए आपको अपने टीम के साथ। अब देखो, ये सारी चीज हो गई, ट्रेनिंग भी हो गई, आपने सॉफ्टवेयर भी इंप्लीमेंट किया, आपने सारी चीजें कर ली। जो नाइन्थ स्टेप है ना, वो ये है कि मॉनिटर एंड एनालाइज सेल्स डेटा। जब आपके पास सॉफ्टवेयर और आपके पास टेक्नोलॉजी रहेगा ना, तो वहां से आपको बहुत सारे क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे किस एरिया में हमारा सेल ज्यादा हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बिक रहा है, किस सेल्स पर्सन का परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन सा सेल्स पर्सन है जो ज्यादा विजिट्स कर रहा है, जो ज्यादा सेल्स ला रहा है, तो इन सारे डेटा को आप एनालाइज कीजिए। इससे आपको क्या पता चलेगा ना, अच्छा हमको इस एरिया में और ज्यादा फोकस करना चाहिए, अच्छा ये प्रोडक्ट हमारा और अच्छा चल रहा है, तो इस प्रोडक्ट को हम और अच्छे से कैसे चला सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट टॉप परफॉर्मिंग है, तो उसका सेल्स आप और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जब आपके पास डेटा रहेगा, आपके पास टेक्नोलॉजी रहेगा, ठीक है, तब आप डेटा को आप प्रॉपरली एनालाइज कर पाओगे। और जब आप एनालाइज कर पाएंगे ना, तब आप देख सकेंगे, अच्छा हम लोग इस एरिया में और बेहतर काम कर सकते हैं, या फिर इस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग और अच्छे से काम कर सकते हैं,
ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में डेटा एनालिस अभी कोई नहीं करता है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा चलो काम चल रहा है चल रहा है। बट जब आप इन चीजों को, क्योंकि देखो अब पहले का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस अलग था, आज के टाइम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है ना वो इट्स होल लॉट ऑफ अ डिफरेंट गेम, बिकॉज एक ही सिटी में एक ही कंपनी के 5-10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपने आप को यूनिक बनाना है कंपनी के सामने तो आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा 9th पॉइंट। अब हम 10वें पॉइंट के ऊपर आते हैं कि ट्रैक परफॉर्मेंस। देखो आपकी सेल्स टीम है, आपने सारी चीजें कर ली, आपके पास लीड जनरेशन प्लान है, सारी चीजें, तो आपको क्या करना है ना कि आपके अपनी टीम को परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, क्योंकि जब आप एनालाइज करोगे तभी आप उनको आगे चल के बेहतर ट्रेनिंग दे पाओगे। बिकॉज जो 8th पॉइंट था हमारा कि ट्रेन योर टीम, तो जब तक आप उनका परफॉर्मेंस आप देखोगे नहीं कि उनका परफॉर्मेंस क्या है तब तक आप उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाओगे। तो यू हैव टू ट्रैक द परफॉर्मेंस। तो ये जो 10वां स्टेप है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 9 के 9 पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर दिए या फिर आपने इनको इंप्लीमेंट किया हुआ है बट अगर आप परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं कर रहे हैं तब तक आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। आपको परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, उसको री इन्वेंट करना है और री इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। पहले आप किसी प्लान को इंप्लीमेंट करो, ठीक है, फिर उसको आप रीचेक करो कि वेदर आपने सही से इंप्लीमेंट किया है या फिर नहीं, और अगर सही से नहीं किया तो उसको आप कैसे इंप्रोवाइज करोगे, उसको इंप्रूव करके फिर से री इंप्लीमेंट करो। तो आपको जब परफॉर्मेंस आप ट्रैक करोगे ना हर चीजों का, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कहां से अच्छे लीड्स आ रहे हैं, किस मार्केट में हमारा सेल अच्छा जा रहा है, ठीक है, ये सारे परफॉर्मेंसेस को ट्रैक कीजिए आप। इसका एक प्रॉपर डेटा रखिए अपने पास, अपनी टीम से बोलिए कि आपको वो एक पर्टिकुलर डेटा बना के दें कि आपके टीम का पूरे हफ्ते का परफॉर्मेंस कैसा रहा, पूरे मंथ का परफॉर्मेंस कैसा रहा, या फिर अगर किसी आपने लोकल इवेंट आपने किया वहां से कैसी लीड्स आए, उन लीड्स पे को लाने के लिए आपने कितना खर्चा किया, ताकि आपको पता रहे कि अगली बार आपको उस इवेंट में फिर जाना है कि नहीं। तो इससे आपके एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा मैनेज होंगे। तो आपको अपना परफॉर्मेंस हरदम टाइमली बेसिस पे ट्रैक करना चाहिए, डेली बेसिस पे ट्रैक कीजिए, वीकली बेसिस पे ट्रैक कीजिए, मतलब ट्रैक करते रहो, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा वीडियो, ठीक है। ये 10 स्टेप का जो फॉर्मूला है ना ये मैंने खुद इंप्लीमेंट किया एंड आई स्वेयर कि मैंने इसे इंप्लीमेंट किया एंड इट हैज गिवन मी रिजल्ट्स, ठीक है। सो ये चीजें थी जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता। तो एक बार मैं रिवाइज करता हूँ सारी चीजों को। जो सबसे पहला पॉइंट है ना वो ये है कि डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। सेकेंड पॉइंट है आपको अपना USP बनाना है। तीसरा पॉइंट है कि आपको अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी बनानी है। सेल्स स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आपके पास एक लीड जनरेशन प्लान होना चाहिए कि आप लीड्स कैसे जनरेट करोगे। पांचवा पॉइंट जो है वो क्रिएट अ सेल्स पाइपलाइन। अगर कोई लीड आपके पास आती है तो किन किन स्टेप से वो होके अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होगा, तो आपके पास एक सेल्स पाइपलाइन होना चाहिए। सेल्स पाइपलाइन के बाद आपके पास लीड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रेडी होना चाहिए कि इन क्राइटेरिया में अगर लीड बैठती है तभी मैं उसके साथ डील करूंगा या फिर नहीं करूंगा। बिकॉज आपके बिजनेस में नो बोलना भी बहुत बड़ा चीज होता है। यू हैव टू से नो। अगर आप नो नहीं बोल रहे हो तो इट्स टाइम दैट कि आप अपने बारे में सोचो, अपने बिजनेस के बारे में सोचो एंड आप नो बोलना शुरू करो। बिकॉज सबके साथ बिजनेस करना इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। आप लिमिटेड लोगों के साथ करो बट उन लोगों ऐसे लोगों के साथ करो जो आपको लंबे समय तक रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो जो छठवां पॉइंट था वो था कि डिफाइन योर लीड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। आफ्टर डिफाइनिंग लीड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको जो 7th स्टेप है इंप्लीमेंट सेल्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। 8वां पॉइंट है ट्रेन एंड कोच योर सेल्स टीम। 9वां पॉइंट जो है मॉनिटर एंड एनालाइज द डेटा, ठीक है। आपको जो डेटा जो सॉफ्टवेयर से या फिर जो टूल से मिल रहे हैं उन डेटा को एनालाइज कीजिए। एंड लास्ट पॉइंट इज ट्रैक परफॉर्मेंस। ट्रैक परफॉर्मेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये चीज नहीं करोगे ना तो लास्ट के जो 9 पॉइंट्स हैं दे विल बी ऑफ नो यूज। आप कितना हो पैसा खर्च करो टेक्नोलॉजी में वो उसका कोई काम नहीं है। तो ये था एक पूरा वीडियो एंड आई एम श्योर कि अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करोगे तो यू विल गेट रिजल्ट 100%। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए, 1 by 1 इंप्लीमेंट कीजिए। अगर मैंने इस वीडियो में कोई चीजें मिस की आप मुझे वो सजेशन में दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चीजें हम लोग कर सकते हैं तब भी हमारा सेल्स फिगर इंक्रीज हो सकता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यू हिट द लाइक बटन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो मत लाइक कीजिए, मत सब्सक्राइब कीजिए। बट अगर अच्छा लगा देन यू शुड डू ऑल दीज थिंग्स। अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई वैल्यूएबल फीडबैक है जिसके थ्रू हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। कुछ आपके पास नेगेटिव फीडबैक
फीडबैक भी है जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज उससे हमें पता चले कि हमें किन पॉइंट्स पे इंप्रूव करना है। तो एनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव कमेंट्स बोथ आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन, आप मेंशन कीजिए, हम लोग रिप्लाई करेंगे। अगर हमें इंप्रूव करना होगा वी विल बी इंप्रूविंग ऑन दोज थिंग्स। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम बी हेल्दी एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, मीट यू इन अनदर वीडियो विथ समथिंग मोर एजुकेटिव कॉन्टेंट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।